ओम नमो नारायण श्रीमनारायण नमः श्री सीताराम चतुराभ्याम नमः श्री मद वाल्मीकि रामायण बालकांडम पंच चत्वारिंशः सर्गः। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः स लक्ष्मणः विश्वं परं गत्वा विश्वामित्रं अथावब्रवीत्। अत्यम अत्यम अद्भुत ब्रह्मन् कथितं परमं त्वा या गंगा उत्तरणं पुण्यं सागरस्यापि पूर्णम्। अत्यद्भुतम् इदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगा उत्तरणं पुण्यं सागरस्यापि पूर्णम्। क्षणभूतयो नवरात्रि संवृत्तेयं परन्तप इमां चिन्तयतो सर्वानिकलेन कथां तौ तस्य सा सर्वीरी सर्वा मम सौमित्रणा से जगाम चिंतयान से विश्वामित्र कथाम शुभाम। तथा प्रभाते विमले विश्वामित्रम तपोदनम वाच राघो वाक्यम कृतानिकम अरिंदम गता भवती रात्रि श्रोतव्यम परमं श्रुतम तारां सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपदगां नदीं नौरेसाई सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्तं ये प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितम् आगता। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामासे सरसंगस्य कौशिकाः। उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्य ऋषिगणं ततः गङ्गाकूले निविष्टास्ते द्विशालां तदृशुः पुरीं। ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम स राघवा विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां सर्वोपमां। तदा अतरामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं पप्रक्षे प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालां उत्तमां पुरीं। कतमो राजवंशो वयं विशालायं महामुने श्रोतुम् इच्छामि भद्रं ते परं कौतूहलं हि मे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवा आख्यातुं तत्समारेभिः विशालायाः पुरातनं श्रुयतां रामशक्रस्य कथां। कथयता श्रुताम् अस्मिन् देशे यद्वृत्तं श्रुणु तत्त्वेन राघो पूर्वं कृतयुगे राम दितिः पुत्रा महाबलाः अदितेश महाभागा वीरवन्ता सुधार्मिकाः। ततस्ते साम नरव्याघ्रे बुधरासीन महात्मनाम अमराभिराश्चयो कथं श्यामो नरामयाः। तेषां चिन्तयतां तत्र बुधरासीद् विपश्चितां शिरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्यां तत्र वै। ततो निश्चित मतनम योक्तम कृत्वा चावावश्यकम मंतारम मंदरम कृत्वा मंथुर अमित तेजसो। ततो निश्चित मतनम योक्तम कृत्वा चावावश्यकम मंथारम मंदरम कृत्वा मंथुर अमित तेजसो। ततो निश्चित मतनम योक्तम कृत्वा चावावश्यकम मंथारम मंदरम कृत्वा ममन्वथूरमितोजसः। अतः वर्षशास्त्रेण युक्त सर्पसरांश च भवन्तो अतिविषं तत्र दन्दंसुरदशनैर्शिलाः। उत पपाताग्निसङ्कासं हालालं माविषम् उत्पपाताग्निसङ्कासं हालाल्माविषं तेन दग्धं जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषम्। अथ देवामादिवं शङ्करं शरणार्थिनः जग्मुः पशुपतिं रुद्रं त्राय त्रायीत् तुष्टुः। एवमुक्तस्ततो देवैर्देव देवेश्वरः प्रभु प्रादुरासीत् तत्तु अत्रयो शङ्खचक्रधरो हरिः। वाचनं स्मृतं कृत्वा सुरुद्रं शूलधरं हरि देवतैर्मथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तदेतोदीयं सुरश्रेष्ठ सुरासुराणाम् अग्रतो हीयते अग्रपूजा मे स्थित्वा ग्रहणिदं विषं प्रभो। तदेतोदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणाम् अग्रतो हीयते अग्रपूजा मे स्थित्वा ग्रहणिदं विषं प्रभो। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठ तत्रैवान्तरे दीयते देवतानां वयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु सानुगुणः हालाहलं विषं घोरं सञ्जग्राहामृतोपमं देवान् विसृज देवेशो जगां भगवान् हरः।
ततो देवासुरा सर्वे ममंथूरवनंदन प्रविवेशाद पातालम मंताना प्रभो पर्वतोत्तमः। ततो देवासा गंधर्वास्तुष्टूर्मधुसूदनम त्वं गति सर्वभूतानां विशेषेण देवोक्तां पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्युत्तम अर्हसि पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्युत्तम अर्हसि। इति श्रुत्वा ऋषिकेशा कामठं रूपमास्थिता पर्वतं पृष्ठता कृत्वा शिष्ये तत्रोदधोरि पौरताग्रम तु लोकात्मास्तेनाक्रम्य केशवादिवानां देता स्थित्वा ममन्ते पुरुषोत्तमः। पौरताग्रम तु लोकात्मास्तेनाक्रम्य केशवादिवानां देता स्थित्वा ममन्ते पुरुषोत्तमः। अतएव शास्त्रेण आयुर्वेद मयापमान उदतिष्ठते सुधर्मात्मा सदंडा सकमंडलो पूर्व धर्मंतरीनाम अप्सराशेषु अर्चितः। अप्सु निर्मथनादियो रसा तस्माद् वर स्त्रिया उत्पीतुर्मनुज श्रेष्ठ तस्माद् अप्सरसो अभवन्। षष्टिकूत्रो षष्ठी कोट्यो अभुवंस्तासाम अप्सराणाम सुवर्चसाम असंख्यास्तु काकुस्ते यास्तासाम परिचारिकाः। नातास्मि प्रतिगृह्णन्ति सर्वेति देवदानवाः अप्रतिगृह्णादियो तावे साधारणा स्मृताः वरुणस्य तथा कन्या वारुणी रघुनन्दन उत्पपात महाभागा मार्मणा परिग्रहम्। द्वितीय पुत्रा नाताम राम जग्रूर ब्रह्मात्मजाम अदिति स्तु सतावीरा जग्रोस्ताम अनंदिताम। असुरास्तेन दैतिया सुरास्तेनादिति सुता हृष्टा प्रमुदिताश्चासन वारुणी गृह्णाति सुराः। असुरास्तेन्देतेयासुरास्तेनादिते सुताः हृष्टा प्रमुदिताश्चासन् वारुणी गृह्णात् सुराः। उच्चैः श्रवाः श्रेष्ठो मणिरत्नं चाकौस्तुभं भूदतिष्ठन् नरश्रेष्ठे तथैवामृतम् उत्तमम्। अथ तस्य कृते राम महानासीद् कुलक्षया अदितेस्तु ततः पुत्रा अदितिपुत्रान् योदयन् एकतामगमन सर्वे असुरा राक्षसे युद्धमासीन महागुरुं वीर त्रैलोक्यमोहिनम्। यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सो आरतितूर्णं मायां आस्ताय मोहिनी। एकदा विमुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमं संपृष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रविष्णुः। अदितेरात्मजा वीरादितिः पुत्रान्निजघ्ने अस्मान् घोरे महायुद्धे दैतेय आदित्योर्वशं निर्हते दितिपुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरन्दरः ससास मृदुतो लोकान् सहर्ष सङ्ग्रहान् सचारणान्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। ॐ हरि ॐ हरि ॐ हरि ॐ हरि ॐ हरि ॐ हरि ॐ ओ मरियो 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 मरियो।